वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं और कारी साहब जा रहे हैं हमारे साथ। ये हमारे कारी साहब हमारे मसल्ले का। आज हम दोनों आदमी जा रहे हैं घूमने के लिए मुहान पोखरी, जो कि बहुत ही अच्छा जगह है। तो फाइनली गाइज, अभी हम लोग मुहान पोखरी पहुंच गए हैं। मतलब बारिश के टाइम में आते तो सही होता, अभी पानी नहीं गिर रहा है, सब ऐसे सूखा हुआ है सब कुछ। यूँ समझ लो कि मतलब एक नदी के जैसा है ये, पहाड़ से पानी गिरता है और यहाँ पर मतलब झरना वाटरफॉल के तरह मतलब व्यू आता है। तो अभी तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, पानी ख़त्म हो गया, पानी नहीं है, बारिश भी नहीं हो रही है। जब बारिश होता है उस टाइम में आता तो थोड़ा बहुत मतलब देखने को भी मिलता। अभी देखते हैं मतलब कितना है क्या है, जितना हो सके उतना दिखाएंगे आप सबको। देख सकते हो अभी पानी नहीं है, बहुत ही कम पानी है यहाँ पर, और बहुत ही मतलब कम, एक जगह से तो गिर रहा है पानी, वही दिखा दे रहे हैं आप सबको। पहले जो है ना यहाँ से लेकर वहाँ तक पानी गिरता था, अभी तो एक ही जगह से गिरा है, बहुत ही कम पानी है। ऊपर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, चलते हैं ऊपर भी दिखाएंगे आप सबको। और यहाँ से भी थोड़ा पानी गिरा है। ये सब पानी मतलब जब बारिश होता है ना पहाड़ों में, तो पहाड़ों की मतलब पानी यहाँ पर आता है, और यहाँ पर एक झरना के जैसा मतलब यहाँ पर गिरता है पानी। अभी तो नहीं गिर रहा है, बहुत ही कम पानी गिर रहा है। वहाँ पे कारी से चल गया। तो गाइस, अगर आप सब कभी आना चाहोगे यहाँ पे ना, तो जब बारिश होगा बारिश के टाइम में आना, ऐसे मतलब सूखा टाइम में कभी भी मत आना, नहीं तो मतलब आप सब भी हमारे जैसे पछताओगे। तो गाइस, ये रहा मुहान पोखरी का व्यू। यहाँ से ये जो है ना, ये पूरा पानी गिरता है सर। यह जो है ना, जब बारिश होता है ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी गिरता है। अभी तो पानी नहीं गिर रहा है गाइस, बहुत ही कम पानी गिर रहा है। अभी चलते हैं ऊपर भी दिखाएंगे आप सबको। ऊपर भी एक मतलब थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ऊपर भी मतलब ऊपर थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है पानी गिरते हुए, तो चलते ऊपर भी दिखाएंगे आप सबको। और गाइस बहुत ही अच्छा लगा। ये पहाड़ों के बीच में मतलब एक बना हुआ है, ये झरने के जैसा है, देख सकते हो आप सब। मतलब चारों ओर पहाड़ है, यहाँ इधर भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, यहाँ भी पहाड़ है, चारों ओर पहाड़ है। ज़्यादा धूल मिट्टी पड़ गया फिर धो लेते हैं फिर पहले। यहाँ पे पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यहाँ का, और ये पीने लायक पानी है। बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है जी, ये पीने लायक पानी आप पी भी सकते हो ये पानी। पानी ज़्यादा आता है ना यहाँ पे, बहुत आदमी नहाता है, ऐसा पानी नहीं, नहीं तो हम लोग भी नहाते हैं यहाँ पे। बहुत ही कम पानी है और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं आप सबको रास्ता बताता हूँ, एकदम आसान रास्ता है। भक्तपुर सबसे पहले आ जाना आप लोग, वहाँ से जगाते हैं ना, जगाते से मतलब ये चामासी आना, चामासी से आप लोग कमल विनायक चले जाना। कमल विनायक से एकदम सीधा रास्ता है जो नगरकोट जाता है, तो नगरकोट नहीं जाना है, नगरकोट मतलब ऊपर चला जाता है, एक मतलब नीचे की ओर आता है रास्ता, तो नीचे वाले रास्ते से आप सब आ जाना। ऊपर जाओगे तो ऊपर नगरकोट चले जाओगे। अभी भी हम लोग मतलब थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो गए थे, तो हम लोग ऊपर के ओर चले गए थे, तो मतलब काफ़ी दूर जाने के बाद मतलब हम लोग को समझ में आया कि नहीं, ये नगरकोट का रास्ता, ये रास्ता नहीं जाएगा। तो फिर हम लोग वापस आए और नीचे मतलब एक आदमी से पूछे कि मतलब मुहान पोखरी जाने वाला रास्ता कौन है, तो मतलब वहाँ पर एक आदमी बताया हम लोग को कि नीचे से जाओ ऊपर गए। अभी हम लोग थोड़ा फ़ोटो खींचने में बिजी हो गए थे, फ़ोटो शूट करने में। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। थोड़ा देर पहले जूता लगा लेते हैं, जूता निकाले हुए थे अंदर जाने के लिए पानी के अंदर कैसे, तो अभी जा रहे हैं ऊपर। ऊपर जाकर आप सबको दिखाएंगे मतलब ऊपर कैसा है। वैसे तो कारी साहब बोल रहे हैं कि मतलब गेट बंद है ऊपर का, देखते हैं गेट मतलब बंद है या खुला है, कहीं से जा सकते हैं या नहीं जा सकते, देखते हैं उसके बाद आप सबको बताते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं खुला हुआ है कि नहीं, कि बंद कर दिया हुआ है। अभी उतना आदमी तो नहीं है यहाँ पे, मुझे शायद ही लगता है कि यहाँ पे खुला होगा ऊपर जाने के लिए, मालूम नहीं वो गेट खुला हुआ है कि नहीं है। तो चलते हैं देखते हैं सबसे पहले गेट खुला हुआ है कि नहीं, उसके बाद आप सबको बताएंगे। है ना क्या
सो गाइस ऊपर अभी नहीं जा सकते हम लोग, गेट बंद है, देख सकते हो पीछे ताला लगा हुआ है और यहाँ पे सूचना भी दिए हुआ है कि जब मतलब गेट बंद हो उस टाइम ऊपर नहीं जाना, ऐसे कुछ बोलकर मतलब सूचना दिए हुआ है। थोड़ा पास से देखते हैं क्या है उस पर लिखा हुआ। यहाँ पे देख सकते हो उल्टा दिखाई दे रहा होगा आप सबको, पीछे के कैमरा से दिखा दे रहा हूँ आप सबको क्या लिखा हुआ है। आप सब मतलब नेपाली जानते हो तो पढ़ लेना। और गाइस जगह तो बहुत ही अच्छा है, मुझे अच्छा लगा जगह, लेकिन मतलब यहाँ पे पानी नहीं है, पानी की वजह से मुझे मतलब उतना अच्छा नहीं फील हुआ, अच्छा नहीं लगा। अगर यही हम लोग बारिश के टाइम में आते तो मतलब अच्छा होता, अभी बारिश नहीं हो रहा है ना, बारिश मतलब काफ़ी दिनों से यहाँ पर बारिश नहीं हुआ है, शायद इसी वजह से यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है अभी। तो फिर कभी मतलब बारिश होगा ज़्यादा, बारिश के मौसम के टाइम में आएंगे एक बार और अच्छा से घूमेंगे और मतलब अच्छा वीडियो बनाएंगे। सो गाइस ये सूचना पढ़ सकते हो, यस मुहान क्षेत्र भित्र लुगा धुने नुहाने पौड़ी खेलने र पानी पानी दूषित होने जस्ता कुनै पनि कार्य गर्न सक्स मनाही छ काठमाडौँ उपत्यका खाने पानी लिमिटेड भक्तपुर। सो गाइस ये सूचना में यही लिखा हुआ है कि मतलब यहाँ पे कपड़ा नहीं धो सकते हैं, नहा नहीं सकते हैं, पौड़ी नहीं खेल सकते हैं और मतलब पानी गंदा करने वाला कोई भी काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो यही लिखा हुआ है, चलते हैं अभी हम लोग का बाइक है और अभी मतलब बहुत ज़्यादा घूम लिया, मतलब ठीक ठाक है। अगर कभी मतलब आप सब आना चाहो तो बारिश के मौसम के टाइम में आना, वैसे मतलब अभी के टाइम में नहीं आना यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है यार, जो क्योंकि यहाँ पे पानी ही नहीं है, जो मतलब देखने आते हैं लोग वो चीज़ ही नहीं है, तो मतलब यहाँ पे आकर भी क्या फ़ायदा। कभी अगर आप लोग यहाँ पे आते हो तो बारिश के टाइम में आना, उस टाइम में पानी मतलब जब बारिश होता है उस टाइम में पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो उसी टाइम में आप सब आना। और अच्छा व्यू मतलब यहाँ पे अच्छा है व्यू, तो एकदम पॉजिटिव वाली वाइब आ रही है यहाँ पे, बहुत अच्छा है। अभी चलते हैं हम लोग बाइक की ओर, फिर चलेंगे घर। तो जी ये रहा जो कि मतलब हम लोग अभी नीचे गए हुए थे, तो ये फर्स्ट वाला है और जो ऊपर की ओर है ना, वो जो ऊपर लास्ट वाला है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पानी गिर रहा है, वो छोटा है ना इसलिए वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पानी गिर रहा है और यहाँ पर बहुत ही कम पानी गिर रहा है। और भी आ गए लेकिन अभी नहीं जा सकते, गेट बंद है, फिर कभी आएंगे तो दिखाएंगे आप सबको। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग हमारे बाइक के पास आ गए हैं, यहाँ पे बाइक पार्किंग करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री है, यहाँ पे एक खाली जगह है वहाँ पे पार्क कर सकते हो बाइक। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, सो बाय। सो गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय।